हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 8C का पार्ट 3। पार्ट 2 में इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन 7 तक पूरा वीडियो देखा था, तो आज आप लोग क्वेश्चन 8 से आगे देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और एक एक बार ध्यान से सुनिए ताकि सारी बातें आसानी समझ में आ सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमने बताया था सबसे पहले समीकरण को क्या करते हैं, इस टाइप का करते हैं, ax² + bx + c = 0। ये चर भी कुछ भी हो सकता है, देखिए x, y, z कुछ भी हो सकते हैं। हमने बताया था a, b, c ये अचर होता है, दाएं साइड में 0 कर लेते हैं। यहाँ देखिए चर x ना होके y है, देखिए y का घात 2, और इधर पहले इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो देखिए हो जाएगा 4y², ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, ये भी प्लस में, इधर करेंगे तो माइनस में होगा, और इक्वल कर लेंगे यहाँ 0। जब हमने ट्रांसफर इधर किया तो यहाँ 0, देखिए चर का घात 2, यहाँ भी चर का घात 2, फिर चर का घात 1, यहाँ भी चर का घात 1, और यहाँ अचर संख्या, तो यहाँ अचर संख्या। ये समीकरण हमने इस टाइप का कर लिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए हमने बताया था मध्य पद को तोड़ने के लिए पहले पहला और लास्ट वाला लिखते हैं, तो 4y² माइनस करके यहाँ ब्रैकेट लगा के y को बाहर लिखेंगे और -3 और इक्वल 0 कर लेंगे। अब यहाँ से मध्य पद को ऐसे तोड़ना है, इस बाहर वाले दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, 4, 3 का गुणा 12 होगा। दो संख्या 11 के जगह पर ऐसा अपने तरफ से लिखना है जिसका गुणा करने पर 12 हो, ये जो गुणा करने पर हो रहा है, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला हो 11 हो, तो ऐसा कौन सा संख्या होगा। तो हम लोग जानते हैं 12 और 1 हो सकता है, 12 में से अगर 1 घटाएंगे तो 11 होगा, और 12 में 1 का गुणा करेंगे तो देखिए ये भी 12 हो रहा है, ये गुणा करने पर 12। अब यहां हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं तो 4y² माइनस प्लस का गुणा माइनस, 12 का वाई में गुणा 12y, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 1 का वाई में गुणा 1y, और -3 = 0। यहां से देखिए क्या करते हैं, दो दो में कॉमन देखते हैं, इस दोनों में कॉमन हो जाएगा 4y, यहां बच जाएगा वाई और माइनस यहाँ 3, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं दिखता तो 1 कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेंगे तो y - 3 = 0। अब देखिए एक ब्रैकेट में y - 3 दो जगह है तो 1 लिखते हैं और 1 लिखते हैं 4y + 1 = 0। इतना तक आप लोग चैप्टर 5 गुणनखंड में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है इसको। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, अतः y - 3 = 0, एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे और या करके एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे, यहाँ से दो मान निकालेंगे। अब y का मान निकालना, -3 को इधर करेंगे +3, 1 आंसर हो गया, और यहाँ वाला जब सॉल्व करेंगे तो इसको 0 के बराबर लिखना है, तो 4y = पहले +1 को इधर करेंगे तो -1 होगा। अब देखिए हमको y का वैल्यू निकालना है तो -1 और 4 इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो देखिए दो आंसर आ गए, लिखेंगे इसलिए y = 3, -1/4, यही आंसर हो जाएगा। उत्तर की जांच करना भी आप लोग जान चुके हैं, उत्तर की जांच क्या करेंगे, y = 3 को अगर जांच करना है तो 3 इसमें y की जगह पर रख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आना चाहिए तो उत्तर सही है, इसका जांच करना होगा इसको रख लेंगे, तो ऐसे उत्तर की जांच करेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो अब क्वेश्चन 9 देखते हैं, देखिए दिया है a² + a = 19। हम लोग जानते हैं राइट साइड में 0 पहले करना है तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो a² + a और +90 को इधर करेंगे तो -90 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए x, y, z कुछ भी हो सकता है, यहाँ देखिए चर क्या है, a का स्क्वायर, यहाँ सिंगल a, यहाँ अचर, तो मीन्स उसी टाइप का समीकरण है। इसको ये मध्य पद को तोड़ना है तो पहले ये पहला वाला लिखते हैं और चिन्ह लगाते हैं,
और यहाँ बीच के लिए ब्रैकेट, ये चर है, चर को यहाँ लिखेंगे और माइनस 90 कल जीरो। एक बात आप लोग ये ध्यान देंगे, यहाँ जो हमने समीकरण बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो को, इसमें देखिए ए बी सी अचर थे, क्योंकि जब एक्स वाई जेड अगर आ जाएंगे और ए बी सी भी एक साथ आएंगे तो एक्स वाई जेड इसमें केवल चर माने जाएंगे, ए बी सी अचर माने जाएंगे। अपने तरफ से मानना है तो किसी को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है, ये चर ही होते हैं। तो देखिए यहाँ केवल चर में ही दिए हैं तो ये चर ही है, तो अपने ऊपर होता है ये, लेकिन ए से जेड तक तो चर होते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए इसका इसका गुणा करते हैं, यहाँ एक है, एक का 90 में गुणा करेंगे तो 90 होगा। अब हमको यहाँ ऐसा संख्या दो अपने तरफ से लेना है जिसका गुणा करने पर 90 हो और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला हो, बीच में एक है तो जोड़ने या घटाने पर एक हो। तो दो संख्या ऐसे हो जाएंगे 10 माइनस 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो एक बीच वाला और 10 में 9 का गुणा करेंगे तो 90। तो ऐसे संख्या अपने तरफ से चुनना है। अब ए स्क्वायर इक्वल प्लस प्लस का गुणा प्लस, 10 का ए में गुणा करेंगे तो 10 ए, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 9 का ए में गुणा करेंगे 9 ए और माइनस 90 बराबर जीरो। आप देखिए दोनों में कॉमन लेंगे तो ए कॉमन होगा, यहाँ बच जाएगा ए प्लस यहाँ बच जाएगा 10, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो माइनस 9 कॉमन होगा। तो यहाँ ए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस में लिखेंगे, 9 ले लिए तो यहाँ 10 इक्वल जीरो। अब एक ब्रैकेट में देखिए ए प्लस 10 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में ए माइनस 9 लिखेंगे इक्वल जीरो। बारी बारी इस दोनों को अब अलग कर लेना है जीरो के बराबर, अतः लिखेंगे ए प्लस 10 बराबर जीरो या ए माइनस 9 बराबर जीरो। अब देखिए ए का मान निकालना, तो ए बराबर प्लस 10 को इधर करेंगे तो माइनस 10 होगा और यहाँ ए बराबर माइनस 9 को इधर करेंगे तो प्लस 9 होगा। तो दो आंसर आ गए, ए इक्वल माइनस 10 और कॉमा लगा के 9, यही दो आंसर आ गए। वर्ग समीकरण के हमेशा दो आंसर होंगे, अगर घात दो में ही वर्ग समीकरण तो दिया होगा, ये हमने आप लोगों को बताया था। तो दो आंसर इसके आ गए, अब उत्तर की जांच करना होगा तो आंसर को इसमें रख के लेफ्ट साइड में राइट वाला लाएंगे, मतलब मीन्स दोनों साइड बराबर होगा तो आंसर सही है। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 इक्वल, यहाँ हमारे जो बुक में ऐसे मिस प्रिंट दिया है, यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए लेकिन हमारे बुक में केवल x प्लस 1 इक्वल करके यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है। तो इसको आप लोग क्वेश्चन को अपने बुक में देखेंगे क्या है, उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 करना होगा, या तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन को बताएंगे क्या क्वेश्चन है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 2x स्क्वायर इक्वल 12 माइनस 5x दिया, तो दोनों को पहले पक्षांतर करेंगे इधर। तो देखिए 2x स्क्वायर है, इसको मान लीजिए हम इधर लाएंगे तो प्लस में 5x होगा, पहले इसको या पहले इसको किसी को ला सकते हैं। फिर देखिए 12 को जब इधर करेंगे तो माइनस 12 होगा और इक्वल में 0। हमने समीकरण को उस टाइप का बना लिया जिसको हमको जरूरत है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, पहला और लास्ट वाला लिख देना है, चिन्ह के साथ यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, चर को बाहर लिखेंगे और माइनस 12 इक्वल 0। 2 और 12 का गुणा करेंगे तो 24 होगा, हमको 5 के जगह पर ऐसा दो संख्या अपने तरफ से लेना है जिसका गुणा करने पर 24 हो, जोड़ने या घटाने पर 5 हो। तो हम लोग जानते हैं 8 माइनस 3 अगर करेंगे तो 5 होगा, 8 3 24 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर प्लस प्लस का गुणा प्लस, 8 का x में गुणा 8x, प्लस माइनस माइनस, 3 का x में गुणा 3x, माइनस 12 इक्वल 0। दो दो में कॉमन देखते हैं तो 2x यहां से कॉमन होगा तो x प्लस 4 हो जाएगा और माइनस यहां से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल 0। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 4 लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब यहां से
बारी बारी जीरो के बराबर लिखना है, तो x प्लस फोर इक्वल जीरो या 2x माइनस थ्री इक्वल जीरो। तो यहाँ से x इक्वल पक्षांतर करेंगे प्लस फोर को तो माइनस फोर हो जाएगा, ये आंसर हुआ। और यहाँ 2x इक्वल माइनस थ्री को इधर करेंगे तो प्लस थ्री, और x है x का वैल्यू निकालना, 2 को इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो दो आंसर आ गया, x इक्वल एक आ गया यहाँ माइनस फोर, और कॉमा एक आ गया है थ्री बाई टू। उत्तर की जांच आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया, पहले इसको हम लोग वर्ग समीकरण में बनाएंगे। तो जब भी संख्या बटे में दिया तो पहले उसका लॉसा निकाल लेते हैं। लॉसा अब आप लोग यहाँ देखेंगे नीचे कोई संख्या नहीं है, यही है, तो लॉसा एक्स हो जाएगा नीचे का। यहाँ देखिए नीचे एक होता है, एक का एक्स में पहले भाग देंगे तो एक्स बार में जाएगा, मीन्स क्या करते हैं, नीचे कोई संख्या ना हो तो लॉसा का उसमें गुणा कर देते हैं। 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, नीचे सेम संख्या हो तो ऊपर वाला लिख देंगे इक्वल 9। अब देखिए x यहाँ डिवाइड कर रहा है, इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 9x, इधर जीरो करना है पक्षांतर कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 4 इक्वल जीरो। अब यहाँ से हमको समीकरण मिल गया, अब क्या करते हैं इसको लिखते हैं, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करना है, ब्रैकेट x को बाहर प्लस 4 इक्वल जीरो, दो और चार का गुणा करेंगे 8, दो संख्या ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर 8 हो, जोड़ने या घटाने पर 9 हो। तो हम लोग 8 और 1 जानते हैं, अगर 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 और 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8। अब 2x स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस, 8 का x में गुणा 8x, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 1 का x में गुणा x, और प्लस 4 इक्वल जीरो, दो दम कॉमन, तो 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस 4 बचेगा इक्वल जीरो। एक ब्रैकेट में x माइनस 4, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल जीरो। अब आता एक बार x माइनस 4 इक्वल जीरो, यहाँ करके एक बार 2x माइनस 1 इक्वल जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल 4, और यहाँ से 2x इक्वल माइनस 1 को इधर करेंगे तो प्लस 1, 2 को इधर करेंगे तो भाग करेगा 1 बाई 2, दो आंसर आ गया, एक x इक्वल 4 आया है और एक x इक्वल 1 बाई 2, यही आंसर हो जाएंगे। उत्तर की जांच आप लोग कर, तो हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ समीकरण पहले से दिया हुआ है वर्ग समीकरण में, तो इसको लिखेंगे माइनस लगा के, ब्रैकेट लगा के, चर को बाहर लिख के, ये लास्ट वाला लिख के, बराबर जीरो। अब देखिए 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18 होगा, हमको बीच वाले की जगह पर दो संख्या ऐसा लिखना जिसका गुणा करने पर 18 हो, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला 3 हो। तो हम लोग जानते हैं 6 माइनस 3, 6 में 3 घटाएंगे 3, और 6 3 क्या 18, तो अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस, 6 का एक्स में गुणा 6x, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 का एक्स में गुणा 3x, और माइनस 2 इक्वल जीरो, दो दो में कॉमन देखते हैं, तो अगर हम लोग 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3x माइनस यहाँ बचेगा 2, और यहाँ देखिए कोई कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं तो 3x माइनस 2 इक्वल जीरो, दो ब्रैकेट में सेम रहेगा 3x माइनस 2 एक बार एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1, इसको लिखते हैं और इक्वल जीरो। अब दोनों को जीरो के बराबर लिखेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल जीरो, या करके 3x प्लस 1 इक्वल जीरो, यहाँ से x का वैल्यू निकालना, 3x इक्वल पहले माइनस 2 को इधर करेंगे तो प्लस 2, फिर x इक्वल 3 गुणा कर रहा है, इधर करेंगे तो भाग, ये आंसर आया। यहाँ देखते हैं 3x इक्वल प्लस 1 इधर करेंगे तो माइनस 1 होगा, x का वैल्यू निकालना है
तो x इक्वल माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा। तो देखिए x के दो आंसर आ गए 2/3 और कॉमा लगा के -1/3, यही आंसर हो जाएंगे। उत्तर की जांच आप लोग करेंगे। अब 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से देखिए ये भी समीकरण दिया हुआ है, तो ऐसे पहला और चिन्ह लगा के बीच के लिए ब्रैकेट चर और लास्ट वाला लिखते हैं बराबर 0। अब देखिए दो संख्या यहाँ ऐसा लेना है जिसका गुणा करने पर 18, एक का गुणा करने पर 18 होगा, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला हो 3 और गुणा करने पर 18। तो हम लोग जानते हैं 6-3, 6 में 3 जाएगा 3, 6 3 18, प्लस प्लस का गुणा प्लस, 6 का एक्स में गुणा 6x, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 का एक्स में गुणा 3x, -18 = 0। दो में कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, यहाँ x प्लस 6 बच जाएगा, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा इक्वल 0। सेम यहाँ ब्रैकेट में होना चाहिए, तो x प्लस 6 एक में और एक में x -3 इक्वल 0। अब दोनों 0 के बराबर लिखना है, एक बार x प्लस 6 बराबर 0 और यहाँ करके x -3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा +6 को इधर करेंगे -6 और यहाँ x इक्वल -3 इधर करेंगे +3, यही दोनों आंसर होंगे -6 और कॉमा 3। उत्तर की जांच आप लोग कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को एक एक बार ध्यान से देखिए, और गुणनखंड समझ में ना आए तो चैप्टर 5 आप लोग गुणनखंड देख सकते हैं, सारी बातें समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।